यादव इतना होशियार हो गया, भूमिहारे और ब्राह्मण और राजपूत इतना मूर्ख हो गया कि भूमिहार ब्राह्मण और राजपूत को यादव सिखाएगा कि राजनीति कैसे होती है, कि आप इसमें बीच में इंटरेस्ट मत लीजिए तो ज्यादा अच्छा होगा, अन्यथा जरासंध की तरह फाड़ के फेंक दिए जाइएगा, एगो इधर एगो इधर, जो कभी जुटेगा भी नहीं। वो कौन लोग हैं? वो तेजस्वी के लोग तो नहीं है? आज तक तो कभी ब्राह्मण भूमिहार राजपूत मारे गए इसमें कभी यादव को इतना इंटरेस्ट लेते नहीं देखा हमने, और सबसे ज्यादा इसमें इंटरेस्टेड यादव ही दिख रहे हैं। क्या कारण है भाई, इतने होशियार हो गए यादव कि हम ब्राह्मण और राजपूत को यादव लड़ाएगा और मजा लेगा, और आपको भी मजा आ रहा है कि हमारा साथ तो यादव भाई दे ही रहा है। तो वो भूल गए जो दलील चक में 55 राजपूतों को यादव ने काटा था, वो भूल गए, और आज एक वर्ग के खिलाफ यादव आपका समर्थन कर रहा है। तेजस्वी यादव जा रहे हैं, आप जाइए तेजस्वी जी जाइए, मुख्यमंत्री को भी जाना चाहिए, हमको भी जाना चाहिए, आपको भी जाना चाहिए, तमाम लोगों को जाना चाहिए और न्याय के लिए संघर्ष करना चाहिए। लेकिन अगर जातिगत रूप दिया जाएगा, यदि दो सवर्ण समाज के लोगों को आपस में लड़वाया जाएगा, आज मेरे पास हजारों कॉल वहां से आए ब्राह्मण समाज के लोग, आप भी आइए। बोले हम क्या करने आए? वही करने आए जो अभी करनी सेना करके आइए वहां से। करनी सेना वालों को क्या पता है कि बिहार में कैसी सामाजिक स्थिति है? वो राजस्थान से आ गए, यहाँ 14 लाख रुपया चंदा भी मिल गया, और कहते हैं कि हमने 1 रुपया भी नहीं दिया, हम उनका खर्चा उठाएंगे। अब क्या उठाएंगे, बाद में आपके सामने रिजल्ट आएगा। कहा हमने साथ नहीं दिया, वो भाषण दे रहे थे कि आनंद मोहन जी होते तो इस तरह की घटनाएं नहीं घटती। तो आनंद मोहन जी होते तो फिर न्याय करते, न्याय की बात करते ना, कि चाहे राजपूत हो या भूमिहार हो या ब्राह्मण हो या धोबी हो, सबको अंदर कीजिए। कोई आनंद मोहन जी होते तो ब्राह्मणों को काट देते और राजपूतों को छोड़ देते। इसमें मैं यही अनुरोध करूंगा कि बाकी के समाज के लोग जो इंटरेस्ट ले रहे हैं, यादव समाज के लोग हों चाहे जो भी हों, आप उनकी मनसा को समझिए कि वो चाहते क्या है, वो क्या चाहते हैं। वो आपस में सवर्णों में फूट डालना चाहते हैं। यादव इतना होशियार हो गया, भूमिहारे और ब्राह्मण और राजपूत इतना मूर्ख हो गया कि भूमिहार ब्राह्मण और राजपूत को यादव सिखाएगा कि राजनीति कैसे होती है, यादव सिखाएगा, और किसी भी वर्ग को कमजोर समझने की भूल नहीं करनी चाहिए, किसी भी वर्ग। हम यदि लिखे हैं तो बहुत लोगों को तकलीफ लगी है, कैसे लिख दिए करनी सेना के बारे में। भैया जाइए, और राजस्थान से यही नहीं, यहां से जम्मू कश्मीर भी जाइए जरूरत पड़े तो, लेकिन जाकर इस प्रकार के कोई काम मत करके आ जाइए कि पीठ पीछे किसी के घर में कपड़ा जला के फेंक दिए, उधर एगो बम फेंक दिए, आग लगा दिए। एसपी साहब का लोग लिंक भेज रहे, क्या बोलेंगे एसपी साहब? नहीं हुआ है, हजारों हमारे सिपाही थे उनके बीच में ऐसा कर दिया गया, क्या बोलेंगे? लाइन हाजिर होना है, कार्रवाई करवानी है, वो तो बोलेंगे नहीं हुआ ऐसा। लेकिन जो हमने दैनिक जागरण के अखबार में इतना बड़ा रिपोर्ट देखा, मीडिया में जो आया, प्रभात खबर में देखा, आज तक न्यूज चैनल में जो चल रहा था वो देखा, तो क्या वो सारे के सारे झूठे हैं? और ये जो दो चार लफुए कह रहे हैं, वो करनी सेना वाले जो आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिए, वही सही है? तो ऐसी हिंसा अगर भड़कानी होती तो हम भी गए थे सिंधुवारी, जब गए थे तो सारा यादव समाज के लोग घर खाली करके भागा हुआ था, हम भी 4 घर में आग लगा के चले जाते, काम खत्म हो गया। आग लगा के चले जाते, हमने वहां पे कहा था कि 12 बीघा जमीन इन हत्यारों के ही कब्जा करके इनको देंगे, इसी प्रकार का न्याय होना चाहिए वहां पर। लोग यदि कहते, बड़े बुजुर्गों ने मना किया कि थोड़ा और रुकिए, युवा साथ थे, हम रुक गए। करनी सेना के लोग कहे थे, यदि उनको लगता था कि इनके परिवार को कोई देखभाल करने वाला है, उनके साथ इस प्रकार से न्याय कीजिए, ये नहीं कि चोरों की तरह जाकर घर में आग लगा दिए और बम फोड़ दिए और बूढ़ों और बच्चों पर हाथ उठा दिए, महिलाओं पर, और आप शेर बन गए। तब राजस्थान से और बिहार से जुटा के इतने लोग लाते हैं, हमारे मधुबनी में इतने लोग हैं, मिथिला में इतने लोग हैं, तो उतनी गाड़ियों के काफिला मिथिला और मधुबनी और दरभंगा से आ जाए, हजारों लोग फोन कर रहे हैं। लेकिन हम नहीं चाहते
इस मामले को और तूल दिया जाए। हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, चाहे वो ब्राह्मण समाज के युवा हो या राजपूत समाज के युवा हो या भूमिहार समाज के युवा या कोई भी हो, कि आपसी सौहार्द को बनाइए। हम एसपी साहब से भी बात करेंगे और किए भी हैं, उनको कहेंगे कि जो भी इस प्रकार के लोग जा रहे हैं वहां पर माहौल बिगाड़ने के लिए, उन पर अविलंब कार्रवाई कीजिए, अविलंब कार्रवाई कीजिए। और इसको हिंसा के रूप में, इसको जो आग लहर रही है, जो भड़क रही है, इसको आप भड़कने से रोकिए। इसलिए ये निवेदन होगा। और खास करके जो कुछ तेजस्वी यादव जी के जो कुछ सोशल मीडिया के जो लोग हैं, उनसे अनुरोध होगा कि आप इसमें बीच में इंटरेस्ट मत लीजिए तो ज़्यादा अच्छा होगा, अन्यथा जरासंध की तरह फाड़ के फेंक दिए जाइएगा। एगो इधर जो कभी छूटेगा भी नहीं। राजपूत और ब्राह्मण की लड़ाई में आप पिसा जाइएगा, आप बीच में मत आइएगा।